हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पीनम का तड़का में आप सभी का स्वागत है। बच्चे हों या बड़े, जब उनको बदल बदल करके हम नाश्ता देते हैं तो वो भी खुश होते हैं और फिर बनाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि डेली एक ही नाश्ते को जब बनाओ तो खुद भी बोर हो जाना रहता है। तो आज मैं पनीर और आलू की बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी रेसिपी बनाऊँगी जो सभी को बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिए हैं मैदा। तो मैं 1 कप मैदे का यूज़ कर रही हूँ। इसमें डालूंगी नमक 1 चम्मच, थोड़ा सा अजवाइन लेंगे और इसे इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल देंगे। डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, आप घी का भी यूज कर सकते हैं और मैदे की जगह पर आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो हम तेल को मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, जैसे नॉर्मल हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसे लगाना है। तो आटा लग गया है, रख दिए हैं रेस्ट पर। अब यहाँ लिए हैं उबले हुए 3 आलू। तो इनको पहले से उबाल करके रख लिए थे, ठंडे हो गए हैं और इनको हम हाथों से इस तरह से मैश कर लेंगे। आप इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैसर से भी मैश कर सकते हैं या चम्मच से भी इस तरह से दबा करके मैश कर सकते हैं। आलू ठंडे हैं इस वजह से हाथों से मैश कर लिए हैं। अब इसमें कुछ हम चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे हम पनीर। तो ये 100 ग्राम पनीर है, क्योंकि ये जो घर पे दूध हमारा था उससे हम बनाए थे। यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का प्याज, थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते, थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा डाल दिए हैं और डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर की जगह पर आप जो है नींबू का रस या चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और इसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए आपको जो मसाले, जैसे कि आपको मैगी मसाला है, पास्ता मसाला है या सांभर मसाला है, जो आपको डालना है वो डाल करके आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो सभी मसाले जो हैं आलू में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो चलिए अब नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा आटा जो अच्छे से सेट हो गया है, तो एक बार हाथों से इसे अच्छे से मैश करके इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। तो जैसे घर में नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं, बस उतनी बड़ी ही लोई हमें इसकी तोड़नी है। ज़्यादा छोटी भी नहीं और ज़्यादा बड़ी भी नहीं, क्योंकि रोटी के साइज़ का हमें बेलना भी है और उतना पतला ही बेलना है। तो यहाँ लोई मेरी तैयार है। अब इसके हम हल्के हाथों से जो है बेल करके एक रोटी जैसे बना लेंगे। तो मैदा है ना, तो इसमें थोड़ा सा लचक होता है, तो इस वजह से थोड़े से बेलने में टाइम लग जाता है, थोड़ी मेहनत भी लग जाती है। गेहूँ के आटे का जब हम बनाते हैं तो वो बहुत आसानी से बेल जाता है। तो आप देख सकते हैं बेल करके तैयार किए हैं। चाकू से इसे हमें जो है पतले पतले स्ट्रिप में काट लेना है। तो जो ट्रायंगल शेप है हम इसमें अपने हिसाब से बना दिए हैं। तो इस साइड से हम पतले पतले स्ट्रिप काटे हैं और तीसरा हिस्सा है वहाँ भी ऐसे स्ट्रिप हम काट लिए हैं। अब एक हिस्से में हम रखेंगे ये जो मसाला हमारा है, और ये जो दूसरा हिस्सा है बड़ा वाला, इसके ऊपर रख देंगे और अच्छे से दबा करके इसको आगे से लॉक कर सकते हैं। आप इसमें पानी का भी यूज़ कर सकते हैं चिपकाने के लिए, पर यह ऐसे भी चिपक जाता है बहुत आसानी से। अब हम एक तरफ से एक स्ट्रिप उठा के इधर रखेंगे, फिर दूसरी तरफ से उठाएंगे फिर रखेंगे, फिर तीसरी साइड से उठाएंगे। ऐसे ऐसे करते हुए हमें बिल्कुल इसे चटाई के जैसे बुन लेना है। आप तो समझ ही सकते हैं ना कि चटाई है, पहले की जो चारपाई वगैरह बुनते थे ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बुनते थे, वो पट्टे वाली ना। तो सेम उसी तरीके से हमें इसे बुन करके तैयार कर लेना है। तो इसे जो है आप मैट वाला समोसा भी कह सकते हैं, मैट मतलब चटाई वाला समोसा कह सकते हैं, या आप डिजाइनर समोसा कह सकते हैं। आप इस नाश्ते को कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मैं तो इसे मैट वाला ही समोसा कहूँगी, क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल मैट के जैसे बुना है। तो मैं आपको दूसरा भी बना करके इसी तरीके से दिखा रही हूँ। बनाना बहुत आसान है, एक बार अगर आप पहला बना लेंगे ना तो उसके बाद बहुत फटाफट ये बन जाता है। तो इसी तरह से एक स्ट्रिप उठाते हुए इधर उधर से करते हुए इसको फिर हम चटाई के जैसे बुन करके तैयार कर लेंगे। बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है। तो अगर आपको मेरी मैट वाले नाश्ते की रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मेरे सारे नाश्ते बन करके तैयार हो गए हैं। तो चलिए
इनको फ्राई करते हैं। तो इन्हें हम फ्राई करने के लिए तेल रख दिए थे गर्म होने के लिए, तो एकदम हल्के गर्म तेल में इन्हें हमें डालना है, और एक बार में जितने आ जाएंगे उतने हम डाल करके इनको एकदम लो मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छे से जो है फ्राई हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से लाल हो जाएंगे पर उतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, कलर चेंज हो गया, बहुत ही क्रिस्पी हैं और देखने में बहुत मज़ेदार लगते हैं। इसे आप कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, त्यौहार हो या मेहमान आ जाए या बच्चों को भी ऐसे ही कुछ बदल बदल करके नाश्ता देना है तो आप बना करके इसे तैयार कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं इसके लिए कोई स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप पनीर नहीं डालेंगे तब भी ये आप आलू से भी बना सकते हैं केवल, या केवल पनीर से, या आप हरी सब्जियां जो आपके पास है जैसे गाजर है, शिमला मिर्च है, उनकी स्टफिंग करके भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। बहुत आसान है बनाना और ये झटपट बन भी जाता है। तो ये हमारा दूसरा बैच भी देखिए फाइनली बन करके तैयार हो गया है। कितना प्यारा लग रहा है देखने में, बिल्कुल एकदम समोसे की तरह है ये, लेकिन मतलब ये थोड़ा सा देखने में डिजाइनर लगता है ना, तो बहुत मज़ा आता है। बच्चे भी बहुत मज़े से खाते हैं, इसे आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। और इनको जब हम लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी होते हैं फ्राई, फिर ये देर तक जो है मुलायम नहीं पड़ते हैं, ऐसे ही क्रिस्पी बने रहते हैं। तो मैं तो चल रही हूँ इनको सर्व करने के लिए। इसे आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ कैसे भी खाएं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैं तो इसे चाय के साथ ही खाऊंगी। तो मेरे सारे समोसे बन करके तैयार हो गए हैं, मैं आपको एक काट करके भी दिखा रही हूँ। देखिए कितने क्रिस्पी बन करके तैयार हुए हैं, और ये काटने पे बहुत ही खस्ता ये कट करके एकदम तैयार होते हैं, बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं, बहुत ही आसानी से कट करके तैयार हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी नाश्ते की रेसिपी? अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर बनाइए, यकीन मानिए आपके बच्चे बहुत मज़े से खाएंगे इसे, मेहमान को भी खिलाएंगे तो बहुत तारीफ़ करेंगे। तो हम मिलेंगे आपसे अगली एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए।